ये हमेशा की तरह फोटो भाई खींचो आप, और भाई हमेशा उसी तरह है। डांस हो रहा दुबई से, दुबई से कोई आया है एक एक करके दिल्ली दरबार के हर फनकार ने लखनऊ की ओर रुख कर लिया। बस फिर क्या था, लखनऊ के नवाब के दरबार में कलाकारों और शायरों का जमावड़ लग गया और लखनऊ ने अपनी तहजीब और तकरीर, नफासत और नजाकत के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ा रुतबा हासिल कर लिया। और क्या और उठा दे लहंगा पीछे से आ रही पीछे बस नबी लिखने लगे और अपना पूरा मतलब नामा बयां कर डाला। हमसे पहले भी नवाब असफुद्दौला, नवाब वजीर अली और सादत अली खान भी शायरी के शौकीन थे। सातवें नवाब अवध के सबसे पहले बादशाह गाजीउद्दीन हैदर तो मरसिया मनकबत दोनों ही लिखा करते थे। दास दोषी होने से पहले ही हमने तो लंबी रूमानी मसनविया दरियाए तहरशुक और बहारे इश्क लिख डाली। हमारे तखल्लुस है अख्तर यानी सितारा। हमारी महारानी खास महल का मकान चौलखी था। शाही हजाम अजीमुल्लाह से हमने ये 4 लाख रुपए में खरीदा था। चौलखी से कैसर बाग के रास्ते में एक खाना कैसर बाग के पेड़ों के दौरान हम बदन पे चले मोतियों की राख वाले गेरुए वस्त्रों में जोगी बन इसी पेड़ के नीचे बैठे रहते थे। हर साल सावन के मेले लगते और पूरी आवाम आती, शर्त बस एक की सब गेरुए वस्त्र पहन कर आए। रंग जाए भीग जाए सावन में सब एक होकर जश्न मनाए। जमाने में चलिए।